सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट 3 ब्लॉगर टेम्पलेट्स के बारे में, यानी कि ब्लॉगर थीम्स के बारे में, जिनका यूज़ करके आप अपना एडसेंस अप्रूवल को जल्दी और आसानी से पा सकते हैं। तो ये बेस्ट 3 ब्लॉगर थीम्स होने वाली हैं जिस पे आप अगर अच्छे से काम करते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, अच्छे से डिज़ाइन करते हैं उसे, यानी कि मॉडिफाई करते हैं, पेजेस अच्छे से बनाते हैं, अच्छे से पोस्ट लिखते हैं, यूनिक पोस्ट, आप इनको यूज़ करके आप उसे अपने वेबसाइट को अट्रैक्टिव भी बना सकते हो और एडसेंस का अप्रूवल भी, जैसे मैंने कहा, वो आप आसानी से और जल्दी पा सकते हो। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड या शेयर भी करिएगा, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं उस थीम्स के बारे में। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले थीम होने वाली है, या टैंपलेट बोल लीजिए उसे, टैंपलेट होने वाला है जी न्यूज़ ब्लॉगर। जैसे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ये मैं वेबसाइट का प्रीव्यू दिखा रहा हूँ, यानी कि थीम का प्रीव्यू दिखा रहा हूँ कि अगर आप अप्लाई करते हैं अपनी इस थीम को अपने वेबसाइट पर, तो आपकी आपकी वेबसाइट कैसे दिखने वाली है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको टॉप नेविगेशन में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, हेडर में होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पे आपको पेजेस के ऑप्शन मिल जाएंगे। जो आप पेज बनाते हो टर्म एंड कंडीशन का, कॉन्टैक्ट अस का, अबाउट अस का पेज बनाते हो, यहाँ पे उसको ऐड करने का आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। और यहाँ पे जैसे आप जस्ट नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक जी न्यूज़ का लोगो दिख रहा है, यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हैं, अपना लोगो यहाँ पे लगा सकते हैं। जस्ट उसके बगल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मेन मेन्यू का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आपको होम, फीचर, मेगा मेन्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ अपने आप कैटेगरीज को ऐड कर सकते हो ताकि और भी अट्रैक्टिव हो जाए, और आपको एडसेंस अप्रूवल में भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है इससे। और जैसे आप यहाँ पे राइट साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पे सोशल टॉप का आइकन्स मिल जाते हैं, यहाँ पे सोशल आइकन्स मिल जाते हैं, जिसमें आप सोशल मीडिया अपने हैंडल्स ऐड कर सकते हैं ताकि आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी रीच मिल सके। और जैसे आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नाइट मोड और डे मोड का मिल जाता है फीचर। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्लिक में नाइट मोड और एक क्लिक में डे मोड हो जाता है यहाँ पे। और जस्ट उसके बगल में आपको सर्च का भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे अगर आप कोई सर्च करना चाहता है आपका ब्लॉग पोस्ट आपके वेबसाइट पे, तो यहाँ पे सर्च कर सकता है। तो जस्ट इसके नीचे बढ़ते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे रेस्पॉन्सिव एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको एक एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी। और हाँ, मैं आपको बताया चाहूँ, ये तीनों वेबसाइट एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली हैं, तभी आपको एडसेंस अप्रूवल जल्दी और आसानी से मिल जाएगा। तो एडसेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और एडवर्टाइजमेंट की भी उसमें दिक्कत नहीं आने वाली है, एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली टेम्पलेट्स होने वाले हैं। जस्ट यहाँ नीचे बढ़ते तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको फीचर पोस्ट आपके देखने को मिल जाएंगे, जो काफ़ी बड़े टेम्पलेट्स यानी कि उसमें देखने को मिल रहे हैं। और बाकी उसके नीचे आपको फिर से एक एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, और उसके नीचे भी आपके एक पोस्ट देखने को मिल जाते हैं। राइट साइड में बात करें यहाँ, तो आपके सोशल मीडिया आइकन्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जस्ट उसके नीचे पॉपुलर पोस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको कैटेगरीज वाइज, जैसे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे, यहाँ जैसे लैपटॉप है, और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे गैजेट्स लिखा है, एंड्रॉयड लिखा है, रिव्यू लिखा है। तो यहाँ पे आप कैटेगरीज वाइज अपने पोस्ट को अरेंज कर सकते हैं, या आप जाके लेआउट में भी चेंजमेंट ला सकते हैं इसमें, अगर आप चाहते हैं कि थीम में कैसे, या कोई पर्टिकुलर थीम में, या किसी भी थीम में कैसे एक चेंजमेंट लाते हैं या मॉडिफाई करते हैं अपनी थीम को। अगर आप उस पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में कैसे उसे मॉडिफाई करते हैं और कैसे एडसेंस अप्रूवल के लिए प्रिपेयर करते हैं अपनी वेबसाइट को, ब्लॉगर वेबसाइट को। तो चलिए नीचे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपको देखने को काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक एडवर्टाइजमेंट का आपको ऑप्शन मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे काफ़ी सारे आपको फीचर देखने को मिल जाएंगे, जैसे आप देख सकते हो राइट साइड में कमेंट का फीचर आपको देखने को मिल जाएगा, मेन टैग का फीचर, जो आप टैग यूज़ करोगे, कैटेगरी जिसकी बनाओगे, वहाँ पे आपको फीचर देखने को मिल जाएगी, जिसे लेबल भी हम कहते हैं। और नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको लोगों का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यह आप चेंज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको फिर से देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे फोटर भी आपको देखने को, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, पेजेस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिससे आप यहाँ आसानी से अपने पेज को यहाँ पे ऐड लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं। और जैसे आपको पता ही है, जितने आप अच्छे से पेज बनाएंगे उससे उतना ही आपको फ़ायदा होगा एडसेंस अप्रूवल में। तो ये थी हमारी पहली टेम्पलेट। चलिए बढ़ते हैं अपनी सेकेंड थीम की तरफ, जो कि है प्रो एसईओ, जिसका नाम है। तो जैसे आप यहाँ पे नाम से ही समझ रहे होंगे, इसमें एसईओ लिखा हुआ है, यानी कि ये एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट होने वाली है। इसमें भी काफ़ी एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली वेबसाइट है ये, आप एडसेंस अप्रूवल आसानी से पा सकते हैं, और एड्स की कोई कमी नहीं होने वाली है इसमें। एसईओ अच्छे से आप कर सकते हैं इसमें, जैसे आपको देखने को मिल रहा है, ये आपका लाइव प्रीव्यू है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कैसे दिखती है वेबसाइट। यहाँ पे भी आपको ऊपर हेडर में आपको देखने को मिल जाएगा होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट पेजेस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, राइट साइड में सोशल मीडिया हैंडल्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको प्रो एसईओ देख रहे हैं, यहाँ पे आप अपना लोगो कस्टमाइज़ कर सकते हो, उसके जस्ट राइट में आपको एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा, जहाँ आपका एडसेंस अप्रूवल हो जाएगा। और जैसे आपके नीचे उसके देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे आपको देख लो कर मेन्यू ऑप्शन देखने को मिल जाता है, होम, फीचर्स, जैसे आप उसमें था कैटेगरीज़ का ऑप्शन, यहाँ पे भी आप कैटेगरीज़ ऐड कर सकते हैं। जब बात करें, यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल जाएगा, जैसे आप कोई भी पोस्ट डालते हो
तो यहाँ पे आपको एक अलग सा ही लुक देखने को मिलने वाला है, अलग से ही कैटेगरीज देखने को मिलने वाली हैं। जस्ट उसके नीचे भी आपको एक एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे भी नीचे कैटेगरीज देखने को मिल जाएंगी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ब्यूटी, फैशन, बिजनेस, और जस्ट उसके साइड में सोशल प्लगइन्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसे भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जस्ट उसके नीचे आप, अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लेफ्ट में एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे आप नीचे फिर से देख सकते हैं राइट में आपको एक एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, फिर से लेफ्ट में एक एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यानी कि एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली वेबसाइट 100% है, आपको एड्स की कमी होने वाली नहीं है, स्पेस ही स्पेस है एड्स ऐड करने के लिए। तो काफ़ी अच्छी वेबसाइट होने वाली है, अगर आप अर्निंग ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और नीचे आपको रिसेंट पोस्ट देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको साइड में लेबल्स देखने को मिल जाएंगे, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड में आपको पोस्ट अलग अलग कैटेगरीज़ के देखने को मिल जाएंगे, और नीचे भी आपको रैंडम पोस्ट, रिसेंट पोस्ट और पॉपुलर पोस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। और जैसे कि पहली वाली वेबसाइट में था, नीचे आपको फुटर में भी पेजेस ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको इसके पेजेस खोल के दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले वाली वेबसाइट का पेज खोल के दिखाना चाहता हूँ, कैसे ये खुलते हैं, कैसे ओपन होती हैं। तो जैसे मैं कोई एक पोस्ट खोल लेता हूँ, यहाँ पे ये मैं खोल लेता हूँ पोस्ट। आपको अंदर से पोस्ट कैसे, अगर आप पोस्ट करेंगे तो आपका पोस्ट कैसे दिखाई देने वाला है पोस्ट करने के बाद, तो आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये पोस्ट मैंने ओपन किया है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपका टाइटल आ जाएगा, और यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, उसके नीचे आप जो फ़ोटो आपने लगाई होगी, नहीं लगाई वो आएगी, ऐसे आपका पोस्ट ओपन होके आएगा। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे आपको सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर करने का भी ऑप्शन मिल सकता है, और ख़ास बात ये है व्हाट्सअप का भी ऑप्शन यहाँ देखने को मिल रहा है। अगर आप डायरेक्ट व्हाट्सअप पर भी किसी को शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर व्हाट्सअप पर भी शेयर कर सकते हैं। और सेम आपको पेज ओपन करके दिखाता हूँ प्रो एसईओ का। यहाँ पर मैं कोई भी एक पोस्ट ओपन कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने ये पोस्ट ओपन कर लिया। अब ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कैसे खुल के आने वाला है, अगर आप पोस्ट अपना पब्लिश करते हैं इस थीम पे, तो यहाँ पे भी आपका ऊपर एक टाइटल लिख के आने वाला है, यहाँ पे नाम लिख के आना है, डेट लिख के आने वाली है, और नीचे आपने अगर फ़ोटो लगाया होगा फ़ोटो आने वाली है। यहाँ पे भी आपको ऐड देखने को मिलेगा, साइड में भी जैसे आप देख सकते हैं ऐड लगा सकते हैं आप, बाकी ऐसा कुछ लिख के आने वाला है आपके पोस्ट में। बाकी यहाँ भी आपको पहली थीम की तरह यहाँ पे भी सोशल मीडिया को शेयर करने का ऑप्शन मिलने वाला है, सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी लास्ट और सबसे बेस्ट ब्लॉगर थीम की तरफ, जिसका नाम है न्यूज़ प्लस। और ये मैंने इसे बेस्ट क्यों बोला, क्योंकि अभी तक मैंने जितना भी सर्च किया है चीज़ों को लेके, टेम्पलेट्स को लेके, जो मैंने ये तीन निकाले हैं तो बहुत सारे, बट ये मैंने तीन अलग से निकाले हुए थे, तो ये मुझे बेस्ट लगे थे एडसेंस अप्रूवल के लिए। और बेस्ट मैंने इसलिए इसको बोला न्यूज़ प्लस को, क्योंकि मैं ये खुद भी यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप मेरा ब्लॉगर वेबसाइट चेक करना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। इसी थीम को यूज़ कर रखा है, आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हो कैसा लगने वाला है आपका ये थीम यूज़ करते हैं। तो चलिए इसका लाइव प्रीव्यू आपको दिखा देते हैं। आपको यहाँ पे ऊपर देखने को, हेडर में देखने को पेजेस का ऑप्शन मिल जाएगा, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, जो भी आप ऐड करना चाहते हो पेजेस वो देखने को मिल जाएगा। राइट साइड में आपको वही सोशल मीडिया आइकन्स देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे न्यूज़ प्लस की जगह आप अपना लोगो ऐड कर सकते हो। जस्ट उसके राइट साइड पे यहाँ पे एड्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके नीचे बात करें हम तो यहाँ पे आपको मेन्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ आप अपनी कैटेगरीज ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आपको एक सर्च का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। चलिए बढ़ते हैं नीचे, तो जो आपके फीचर पोस्ट होंगे, मेगा पोस्ट होंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और बाकी नीचे बात करते हैं आपके कैटेगरीज़ की, अगर आप कैटेगरीज़ ऐड करते हो यहाँ पे तो कैसा दिखने वाला है यहाँ पे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बिजनेस जैसे यहाँ पड़ा हुआ है, फूड पड़ा हुआ है, फैशन पड़ा हुआ है, रिसेंट पोस्ट पड़े हुए हैं, तो ये आपके कैटेगरीज शो होने वाले हैं यहाँ पे। बात करते हैं साइड की, राइट साइड की, तो यहाँ पे आपको सोशल प्लगइन्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सोशल मीडिया हैंडल्स आप ऐड कर सकते हो, उसके नीचे पॉपुलर पोस्ट और सब्सक्राइबर अगर आपका यूट्यूब चैनल तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। बाकी जैसे मैं आपको बताया, लेफ्ट साइड पे आपको सारे आपकी कैटेगरीज देखने को मिलेंगे, बीच में रिसेंट पोस्ट देखने को मिलेगा, फिर नीचे आपको कैटेगरीज देखने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे काफ़ी सारी कैटेगरीज का ऑप्शन दिया हुआ है, और काफ़ी मुझे प्यारा लगता है ये थीम देखने में भी। और जैसे कि मैंने बताई, एडसेंस फ्रेंडली भी है, आपको जल्दी अप्रूवल मिलेगा अगर आप इससे अच्छे से काम करते हैं, इस पर अच्छे से पोस्ट लिखते हैं, यूनिक पोस्ट लिखते हैं, तो आपको एडसेंस का अप्रूवल 100% मिल जाने वाला है। और नीचे की बात करें तो आपको यहाँ मोस्ट रिसेंट पोस्ट देखने को मिल जाएगा, रैंडम पोस्ट देखने को, मोस्ट पॉपुलर पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे भी आपको एक फुटर पे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट पेजेस ऐड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये भी काफ़ी प्यारी थीम है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको ये अच्छी लगती है। ये थी वो तीन बेस्ट टेम्पलेट जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला था। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड से शेयर भी करिएगा, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए मिलते हैं अपनी नई मिल जाए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।